भारत आज के समय में दुनिया में डॉक्टर्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ये बात काफी चौंका देने वाली है, लेकिन आज के समय में हर 1325 लोगों पर एक इंडियन डॉक्टर है, लेकिन वही भारत में देखा जाए तो 2400 लोगों पर एक इंडियन डॉक्टर है। इन दोनों में ही करीब 1000 लोगों का अंतर है, और ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। दरअसल रिमिटली के रिपोर्ट के अनुसार भारत आज के समय में अमेरिका में इमिग्रेशन डॉक्टर्स का एक लीडिंग सोर्स है और रजिस्टर्ड नर्सेस का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है। हालांकि जब हम होम हेल्थ एड्स और नर्सिंग असिस्टेंट सहित सभी इमिग्रेशन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की कुल संख्या को देखते हैं तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर आता है। आपको बता दूं कि अमेरिका में 9.87 लाख डॉक्टर्स में से लगभग 26.5% यानी 2.62 लाख इमिग्रेंट्स हैं, और इसमें इंडियन डॉक्टर्स का ग्रुप सबसे बड़ा है। और अमेरिका में डॉक्टर्स के रूप में काम करने के लिए दूसरे देशों की तुलना में सबसे ज्यादा इंडियंस जा रहे हैं। न्यू जर्सी, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क इन प्रोफेशनल्स के लिए सबसे टॉप डेस्टिनेशन स्टेट्स हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि इमिग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट और यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के आधार पर पता चला है कि आज के समय में अमेरिका में 22% यानी 59,000 इंडियन डॉक्टर्स हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है जिससे इंडिया के बच्चे दूसरे देशों में पढ़ाई या काम करना पसंद करते हैं। दरअसल भारत के उसके स्किल्ड प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स को दूसरे देशों को खोने का एक मुख्य कारण इंडिया का रिजर्वेशन सिस्टम है। और आज के समय में ये सिस्टम कास्ट बेस्ड कोटा पर बेस्ड है। ये सिस्टम कुछ विशेष सामाजिक रूप से कमजोर समूहों को बड़ी संख्या में एजुकेशनल सीट, गवर्नमेंट जॉब्स और सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप को प्रमोशन देती है। इसका उद्देश्य हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज को ठीक करना है, लेकिन जनरल और अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले लोग इससे निराश और दुखी हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ मेरिट के आधार पर ही अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। जैसे कि जो यंग स्टूडेंट्स डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, वे अक्सर मेजर इंस्टीट्यूट जैसे कि आईआईटी और मेडिकल कॉलेज में बहुत कम सीटों के लिए कंपटीशन करते हैं, जो अच्छे मेरिट होने के बावजूद चूक जाते हैं। वो आमतौर पर विदेश जाने का सोचते हैं, जहां मेरिट के आधार पर ज्यादा मौके होते हैं, वहां उन्हें एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज और रिसर्च की बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। और रिजर्वेशन के अलावा प्रोफेशनल्स अच्छी सैलरीज, अच्छी सुविधाएं और अच्छे जीवन के लिए दूसरे देशों में जाते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और कैनेडा जैसे डेवलप्ड नेशन बेहतरीन मौके और एडवांस्ड एरिया में काम करने का मौका देते हैं। वैसे बता दूं कि इस ब्रेन ड्रेन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। भारत अपने प्रोफेशनल्स को ट्रेन और एजुकेट करने में बहुत रिसोर्सेस लगाता है, लेकिन जब ये टैलेंट्स दूसरे देशों में चले जाते हैं तो देश अपनी इकोनॉमिक हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन खो देता है, और ये भारत जैसे देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे देश को भारी नुकसान होता है। जबकि रिजर्वेशन भारत की सोशल जस्टिस पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन बता दूं कि इस टैलेंट के नुकसान को रोकने के लिए हमें आज के युवाओं में डिससैटिस्फैक्शन के कारणों को समझना और इस देश के डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज में सुधार करना काफी जरूरी है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज़ कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज़ कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।